हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बीटीएस आर्मी बीटीएस से कितना प्यार करती है और बीटीएस की लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे कंसर्न को देखती है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू बीटीएस के कंसर्न को एंजॉय करती है, तो वहीं कुछ आर्मीज तो इतनी लकी होती हैं कि बीटीएस खुद उनके कंट्री में कंसर्न करने आ जाते हैं और अपने आर्मीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन इंडिया का नाम कभी भी उन लकी आर्मीज में नहीं आया है जहां बीटीएस खुद कंसर्न करने आए, लेकिन इंडियन बीटीएस आर्मी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने बीटीएस मेंबर्स से जुड़ी रहती है और बीटीएस के कंसर्न को देखती रहती है और वेट कर रही है कि कब वो दिन आएगा जब वो बीटीएस के कंसर्न को अपनी आंखों से देखेगी। हालांकि फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले ही बीटीएस मेंबर्स ने ये रिवील किया था कि 2019 में ही उनका प्लान था इंडिया आने का, पर उस टाइम कोविड-19 की वजह से बीटीएस मेंबर्स इंडिया नहीं आ पाए, जिसके बाद इंडियन रिपोर्टर सक्षमा ने बीटीएस से लाइव वीडियो चैट की जिसमे उन्होंने हर मेंबर से उनके थॉट्स जाने। और इतना ही नहीं, उसी दौरान एक बहुत ही फनी बात भी हुई। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि बीटीएस री ने वीडियो चैट में बहुत सारे फनी मोमेंट्स किए थे, जिसके बाद सक्षमा ने बीटीएस मेंबर से इंडिया आने और इंडिया आकर कंसर्न करने के बारे में भी पूछा था, जिसका जवाब देते हुए ग्रुप लीडर आर्यन ने कहा कि हम भी इंडिया आना चाहते हैं और हमारा प्लान भी था इंडिया आने का, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम इंडिया नहीं आ पाए, पर हम जल्द ही कोविड-19 की प्रॉब्लम से जब सभी लोग सेफ हो जाएंगे तो जरूर आएंगे। इसके साथ ही सक्षमा ने बीटीएस मेंबर्स से एक हिंदी सेंटेंस भी बुलवाया था कि बीटीएस इंडियन आर्मी, आप हमारे दिल में रहते हैं। हालांकि बीटीएस मेंबर कोरियन है, लेकिन उन्होंने इस हिंदी सेंटेंस को भी काफी फनी वे में बोला। हालांकि फ्रेंड्स, इसके बाद भी बीटीएस मेंबर कई कंट्रीज में कंसर्न करने के लिए गए, लेकिन उसमें इंडिया का नाम कहीं भी नहीं था, जिससे इंडियन बीटीएस आर्मी बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। पर फ्रेंड्स, अब इंडियन बीटीएस आर्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। जब से ये न्यूज वायरल हुई है कि बीटीएस मेंबर इंडिया में कंसर्न करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ये सब पॉसिबल हुआ तब से जब से जी हॉप का सोलो सॉन्ग आया और जो कि इंडिया में नंबर वन पर रहा, और ये सब पॉसिबल भी बीटीएस के सनशाइन जी हॉप की वजह से ही हो पाया है। हालांकि फ्रेंड्स, जैसा कि वर्ल्ड के काफी सारी कंट्रीज में लोलापालूजा के कंसर्न हुआ करते हैं, लेकिन रिसेंटली में उनके ऑर्गेनाइजर ने ये अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में इंडिया के मुंबई में कंसर्न करने वाले हैं और इसकी डेट भी 28 से 29 जनवरी तक बताई जा रही है और इसकी टिकट की बुकिंग भी बुक माय शो से ही होगी। तो फ्रेंड, जैसा कि इस कंसर्न में जी हॉप को ऑलरेडी इनवाइट किया गया है, तो वो आएंगे ही आएंगे और उनके साथ साथ वर्ल्ड के टॉप सिंगर म्यूजिशियन आर्टिस्ट भी इंडिया के हो रहे कंसर्न में जरूर आएंगे, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि बीटीएस भी इस कंसर्न में आ सकते हैं, क्योंकि जहां बात टॉप सिंगर्स की हो वहां सबसे पहले ध्यान बीटीएस मेंबर्स की तरफ ही जाता है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि बीटीएस ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो मुंबई आने वाले हैं और रिसेंटली बीटीएस काफी ज्यादा जगहों पर अपना कंसर्न भी कर रहे हैं। इसके अलावा बीटीएस का एक ग्लोबल कंसर्न अक्टूबर में कोरिया के बुसान में होगा और फ्रेंड इसीलिए ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि बीटीएस अक्टूबर में बुसान में कंसर्न करने के बाद अपना वर्ल्ड टूर अनाउंस करेंगे, जिसमें इंडिया का नाम भी जरूर रहेगा। हालांकि फ्रेंड्स, अभी तक लोलापालूजा के हो रहे कंसर्न में आ रहे सिंगर म्यूजिशियन और आर्टिस्ट के नाम को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर की जा रही पोस्ट से ये कंफर्म हो गया है कि जी हॉप तो इस कंसर्न में जरूर आएंगे और जल्द ही आर्टिस्ट लाइनअप रिवील कर दिया जाएगा, लेकिन जी हॉप का आना तो ऑलमोस्ट फाइनल ही है और जी हॉप इस ईयर और नेक्स्ट ईयर लोलापालूजा में परफॉर्म करेंगे और हो सकता है कि जैसा कि नमजून और शुगा भी अपना सोलो सॉन्ग ला रहे हैं तो वो भी इस कंसर्न में आए। इसीलिए अभी हम सभी को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में बीटीएस मेंबर्स को इनवाइट नहीं किया गया या फिर बीटीएस ने ये रिवील किया कि वो इंडिया नहीं आएंगे, तो बहुत सारे इंडियन बीटीएस आर्मी का दिल टूट जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि लोलापालूजा के हो रहे कंसर्न में बीटीएस मेंबर कंसर्न करने आएंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।